एक तो वैसे ही मौसम की मार से किसानों की फसल खराब हो गई थी, जैसे तैसे उन्हें सरकार की तरफ से राहत के रूप में थोड़ी सी मदद मिली थी, उसे भी कुछ भ्रष्टाचारी पटवारी डकार गए। पटवारियों ने किसानों की राहत राशि के करोड़ों रुपए अपने करीबियों के खाते में डलवा दिए। मामले का खुलासा होते ही कई पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। ये मामला देवास जिले का है, जहां 35 पटवारियों ने किसानों को करोड़ों का चूना लगाया। सरकार की तरफ से 2018-19, 21-22 तक जो राहत राशि किसानों के लिए भेजी गई थी, उस राशि को पटवारियों ने अपने करीबियों के खाते में डलवा लिया। पटवारियों ने करीब 1,61,00,000 रुपए की राशि का गबन किया। एडीएम महेंद्र कवचे ने इस मामले में कहा कि ग्वालियर से महालेखाकार की टीम आई हुई थी, जिन्होंने इस घोटाले के बारे में बताया। अभी तक की कार्रवाई में 1,10,00,000 की राशि इन पटवारियों ने वसूली जा चुकी है, बकाया राशि भी वसूली जाएगी। इस मामले में 8 पटवारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। देखिए, हमारे यहाँ पर महालेखाकार की टीम आई थी, उन्होंने जो है पिछले वर्षों के 18-19 से लेकर 20-22 तक के जो ऑडिट किए थे, उसमें ये राशि पकड़ में आई थी कि महालेखाकार की टीम ने जब सर्वे किया था, जांच की थी, तो उन्होंने लगभग 1,61,00,000 के आसपास की राशि का जो है वो अनियमितता बताई थी। उन अनियमितता के आधार पर हमने संबंधित पटवारियों को नोटिस जारी किए थे, और नोटिस जारी करने के पश्चात हम लोगों ने लगभग 1,10,00,000 की राशि तो वसूल कर ली है, बाकी की वसूली की कार्रवाई चल रही है। और हम लोग जो है, जो अनियमितता जिन्होंने की है, जिन भी अधिकारी कर्मचारियों ने अनियमितता की है, उनको हमने सोकस नोटिस दिए हैं और उनके खिलाफ हम विभागीय कार्रवाई भी करेंगे। मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।